एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या मुगल सराय नामक जगह पर स्टेशन पर कर दिया गया था। उनकी स्मृति में मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा गया है। 11 फरवरी को उनका स्वर्गवास का उनका स्वर्गवास हुआ था, उनके निधन का दिवस है। हमारे साथ हैं अश्विनी कुमार चौबे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। दीनदयाल जी की स्मृति दिवस को आप किस रूप में मनाते? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जनसंघ के वो संस्थापक रहे, इतना ही नहीं, वो एकात्म मानववाद के युगदृष्टा के रूप में आज उनकी पहचान देश और दुनिया में और अनेक शोध उनके ऊपर हो रहा है। जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकांत मानववाद के युगदृष्टा के रूप में प्रतिस्थापित हो चुके हैं, आपको मालूम होगा कि प्रवास के क्रम में और इसी मुगल सराय जंक्शन बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर उनकी लाश मिली थी, जो ऐसा लोग कहते हैं कि उनका किस प्रकार से हत्या करके और लाश को वहाँ रख दिया गया। तो सचमुच ये संदेहास्पद स्थिति उस समय से बनी रही और आज वही मुगल सराय स्टेशन को मैंने कई बार सोचा था और जब मैं लोकसभा का सदस्य बना तो मैंने उस मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलने का संसद के अंदर अपील किया था। हमारे वहाँ के बगल के ही सांसद श्री महेंद्रनाथ पांडे जी और हम दोनों ने मिल करके उसको यह नामकरण देने का आग्रह किया, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और श्री अमित शाह जी ने उसका नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से रखा और अब वो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन हो चुका है। सचमुच उनकी स्मृति, उनसे प्रत्यक्ष मिलने का अवसर तो हमें नहीं मिला था, लेकिन उनके वाक्यों को, उनके ग्रंथों को, उनके विचारों को सुनने का, समझने का जो अवसर मिला है, मुझे लगता है कि उनका यही 11 फरवरी जो आने वाला है उसी समय उनकी वहाँ हत्या हुई थी, 11 फरवरी को ही लाश मिली थी और वो स्मृति दिवस के रूप में पूरे देश और विश्व में मनाई जा रही है। तो हम उनकी स्मृति में इस ऐसे महामानव को हम प्रणाम करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में एकात्म मानववाद के इस विचार को आगे भी दुनिया में फैलाया जाए, ताकि मनुष्य का मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा, यह जो एकात्मता की बात किया है उसके संतुलन करने की बात जो कहा है, तो ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे व्यक्ति जो समाज में अब समष्टि के रूप में उनको, वो समष्टि के रूप में उनका विलय हो चुका है, तो हम उनको एक आदर्श पुरुष के रूप में और एक ऐसे संगठक, कुशल संगठक और महामानव के रूप में हम उन्हें जानते हैं। उनकी उनका अंत्योदय का जो अंतिम व्यक्ति का उत्थान जो कहा करते थे, वो जब तक अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा तब तक इस राष्ट्र मंदिर का निर्माण नहीं होगा। पंडित जी का यह जो उक्ति है, आज जो समाज के अंतिम पौधान पर बैठे हुए व्यक्ति का, उनका विकास होना, उनकी चिंता होना, ये आज सचमुच में समीचीन है और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से देश और दुनिया में एक शक्ति, नया शक्ति, नई ऊर्जा का स्रोत प्राप्त हुआ है, ऐसा आप कह सकते हैं। सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण दोनों ही, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और प्राकृतिक दृष्टिकोण से दोनों पर्यावरण को हम संतुलित करके कह सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे और उनमें जो पुरुषार्थ था सचमुच वो समाज कल्याण के लिए, जो समाज के अंतिम पीढ़ी पर बैठे हुए दारिद्र है, ऐसे लोगों के दुख दूर करने के लिए सामाजिक संगठन को भी आगे बढ़ चढ़ करके काम करने की प्रेरणा उनसे मिलती है।